हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी सिस्के चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में जो स्वाद में भी बहुत टेस्टी होता है और इसके फायदे भी बहुत सारे होते हैं। तो ये जो ड्राई फ्रूट है वो काजू है, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो। तो काजू को किस तरीके से हम कोरोना काल में, अगर कोई कोविड पेशेंट है और आफ्टर कोविड जो शरीर में वीकनेस आती है, उसको किस तरीके से काजू का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है, इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे। और काजू के वो 60 फायदे कौन कौन से हैं जिससे हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हो कि काजू ड्राई फ्रूट खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। इसको तो अगर आप नॉर्मल ऐसे ही खा लो तो ये वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद आता है और बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। इसको घरों में हम अपने व्यंजन में यूज करते हैं, मिठाइयों में यूज करते हैं। मगर कोरोना काल में, क्योंकि शरीर, अगर मान लीजिए क्योंकि होम आइसोलेशन में जो मरीज रहता है तो उसको आफ्टर कोविड बहुत शरीर में वीकनेस महसूस होती है, थकान महसूस होती है, तो किस तरीके से काजू को प्रयोग किया जा सकता है? क्योंकि काजू एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी मतलब तुरंत अगर ऊर्जा की जरूरत होती है शरीर को, तो काजू खाने से वो ऊर्जा शरीर को मिलती है। अगर हम दिन में 6 से 7 काजू खाएंगे तो हमारे शरीर को जो ऊर्जा चाहिए वो हमें मिलती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं काजू के वो 7 फायदे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो काजू का फायदा है वो ब्लड प्रेशर में सुधार, मतलब अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो काजू के सेवन से वो दूर की जा सकती है। काजू के सेवन से तुरंत ऊर्जा मिलती है, तो अगर कोई वीकनेस महसूस करता है कोई व्यक्ति, उसको तुरंत कोई ऐसा ड्राई फ्रूट मिले तो जिससे उसे तुरंत ऊर्जा महसूस हो, तो वो काजू एक ऐसा ड्राई फ्रूट है कि अगर आप 6 से 7 काजू खाते हो तो आपको तुरंत अपने शरीर में ऊर्जा महसूस होती है। हड्डियों के लिए भी काजू का बहुत ही अच्छा उपयोग होता है, मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके हड्डियों का विकास हो रहा होता है, तो क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा होती है, तो ये हड्डियों की समस्या अगर किसी को है, हड्डियों में दर्द होता है, कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, तो भी आप काजू का सेवन करके उसे दूर कर सकते हो। डायबिटीज के लिए भी आप काजू का यूज कर सकते हो, मतलब अगर किसी को डायबिटीज की समस्या है तो काजू जो है रक्त में जो ग्लूकोज का जो मात्रा होती है उसको बैलेंस करता है, जो कि डायबिटीज के रोगियों को फायदा पहुंचाती है। रक्त को स्वस्थ रखे, मतलब कि काजू जो है रक्त को स्वस्थ कैसे रखता है, क्योंकि काजू में आयरन और जिंक की मात्रा होती है, कॉपर की मात्रा होती है। जो आयरन होता है जो कि काजू में मौजूद होता है, आयरन का ये काम होता है वो रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती है उनका मेन काम ये होता है, वो ऑक्सीजन को हमारे शरीर में प्रवाहित करती हैं। तो जब रेड ब्लड सेल्स स्वस्थ रहेंगी तो हमारा जो है शरीर भी स्वस्थ रहेगा, ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से होगा, जो कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की ही कमी से व्यक्तियों की मौत भी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी भी एक तरह से काजू की सेवन से दूर हो सकती है। स्वस्थ त्वचा चाहते हो आप तो आपको काजू का सेवन करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें जिंक होता है, विटामिन ई होता है, जो कि आपकी त्वचा को खूबसूरत दिखाता है, एंटी एजिंग की समस्या दूर होती है, आपका जो झुर्रियों की समस्या है वो दूर होती है, त्वचा को क्लियर रखता है। तो अगर आप काजू का सेवन करते हो तो आपकी त्वचा भी साफ और सुंदर रहती है। बालों के लिए भी काजू के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि क्योंकि काजू में जिंक होता है, आयरन होता है, जो कि बालों को टूटने से रोकता है, बालों को चमक प्रदान करता है। और क्योंकि जिंक तो वैसे भी डॉक्टर कोरोना काल में पेशेंट को बोल रहे हैं कि जिंक लिखा जाता है, जो मेडिसिन किट होता है कोरोना की उसमें जिंक लिखा जाता है, तो काजू में जिंक भी पर्याप्त मात्रा में होता है। तो जिंक अगर आप लेना चाहते हो, प्राकृतिक रूप से लेना चाहते हो, तो आपको काजू का सेवन जरूर करना चाहिए। तो ये 7 फायदे हैं काजू के, जो कि आपको जरूर फायदा देंगे अगर आप काजू खाओगे तो। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।